अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर की हत्या। मृतक 15 वर्षों से अपने ससुराल में आकर रह रहा था व आलू की खुदाई का कार्य चल रहा था। पूरा मामला थाना फरिया क्षेत्र के गांव नगला कांस का है, जहां निवासी उमा शंकर पुत्र प्रेम सिंह उम्र 47 वर्षीय मूल निवासी नगला धनी जलेसर के रहने वाले हैं। करीब 15 वर्ष पूर्व वे अपनी ससुराल नगला कांस में आ गए थे। आलू की खुदाई का कार्य चलने के कारण रविवार रात्रि को वह खेत पर सोने के लिए घर से गए थे। सोमवार सुबह खून से लथपथ उनका शव खेत पर पड़ा हुआ मिला। परिजनों द्वारा बताया गया कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। किसान की हत्या किए जाने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस मामले में एसपी ग्रामीण राजेश कुमार का कहना है कि गोली मारकर हत्या की गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। मेरा तेजपाल सिंह नाम है। कहाँ के निवासी? नगला कांस की। अभी जो एक हत्या का मामला आया, किस तरीके का मामला है वो? हमारे जीजा जी खेत पर पड़े थे, आलू खुद रहा था, उस आलू पे लेटे थे, आधा खुद चुका था। सो पता नहीं किसने गोली मार दी और चाकुओं से। सुबह हम जाके पहुँचे तो लेटे हुए थे रजाई ओढ़े, हमने खोला तो बिल्कुल मरे हुए थे। क्या नाम है उनका? उनका उमा शंकर नाम था। कहाँ के निवासी हैं? वे निवासी हैं, क्या कहते हैं, नगला धनी के। थाना कौन सा लगता है? थाना उनका जलेसर पड़ता है, लेकिन 10 साल से हमारे नगला कांस में रहते हैं वो। उन्होंने खेत ले लिया बर्थराम है। तो क्या कुछ पता चला? अंदेशा हुआ? नहीं पता चला। मामला किस तरीके का मामला? नहीं पता, कोई पता ही नहीं पड़ा सा। इस संदर्भ में पुलिस को सूचना वगैरह कुछ की है? जी। किसके द्वारा यहाँ बॉडी को लाया गया? पुलिस के द्वारा।